Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will be discussing same topic, which is normal labor. So we will try to understand some terminology which is used in the normal labor, and then we will move towards the stages of labor. So let's get started. So हम लोग पहले देखेंगे lightning क्या होती है. Lightning क्या होती है कि mainly lightning जो होती है ये एक तरह से good news होती है कि the baby is going to deliver, means की getting closer to the delivery day. So lightning pain जो होती है इसलिए होती है क्योंकि pressure लगता है, baby जो होता है वो descend down होता है birth canal में, तो इसलिए मदर को मिक्चुरेशन ज़्यादा फील हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर मदर की जो कार्डियो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि बेबी जो है वो लिटिल बिट डाउनवर्ड आता है. मीन्स कि अगर ये मदर का ट्रू पेल्विस है तो बेबी का हेड जो है वर्टिक्स जो है इसमें इंगेज होता है, राइट. तो जब बेबी का हेड इसमें इंगेज होगा मदर के ट्रू पेल्विस में जो, तो डायफ्राम से बेबी नीचे आएगा, तो मदर को इसमें थोड़ा फीलिंग ऑफ रिलीफ मिलता है, राइट. सर्वाइकल चेंजेस क्या होते हैं नॉर्मल लेबर के टाइम में, सर्विक्स राइप हो जाता है और बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, 80% इफेस्ड हो जाता है. इफेस्ड मीन्स कि इट विल बी फील लाइक शीट ऑफ पेपर, मीन्स कि इतना ये इफेस्ड हो जाता है, पतला एकदम हो जाता है. वी कैन एडमिट आवर वन फिंगर ईजली, सर्वाइकल कैनाल इज डायलिटेबल. जो सर्वाइकल कैनाल होता है, यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कैनाल है वो डायलेट नहीं हुआ है, और यहाँ पे 50% की इफेस्ट हो गया और डायलेट अब भी नहीं हुआ है, लेकिन तो यहाँ पे 100% इफेस्ट हुआ है, और उसके बाद से ये 3 सेंटीमीटर डायलेट हो गया. ये देखो यहाँ से डायलेट हो गया है, अब वी कैन ईजली इंटर आवर वन फिंगर. सी हियर, सर्विक्स इज फुल्ली डायलेटेड अप टू 10 सेंटीमीटर. तो सर्विक्स जो होता है वो 10 सेंटीमीटर तक फुल्ली डायलेट हो जाता है, राइट. प्री लेबर क्या होता है, जो कि कभी भी लेबर के 2-3 हफ्ते पहले जो मदर को पेन फील होता है, लाइक ट्रू लेबर पेन फील होता है. प्रीमी ग्रेविडा में ये यूजली 2-3 हफ्ते होता है, लेकिन तो मल्टी ग्रेविडा में कुछ दिन पहले ही होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री लेबर. इसमें प्री लेबर पेन में क्या होता है कि जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मदर को वो फील होते हैं. जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो कोई नॉन प्रोग्रेसिंग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मीन्स कि बहुत ही स्लो होते हैं, फिर अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, राइट. अब लोग बात करेंगे ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन. हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ट्रू लेबर पेन क्या होता है और फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, राइट. सो हम लोग पहले बात करते हैं ट्रू लेबर पेन. ट्रू लेबर पेन जो होता है वो रेगुलर होता है और रिदमिक होता है, मीन्स कि 10 पहले तो 10 मिनट पे, या फिर 5 मिनट पे आएगा, फिर 5 मिनट पे आएगा, फिर 5 मिनट पे आएगा, ऐसे ऐसे करके एक रेगुलरिटी के साथ आता है और एक बेसिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आता है. और इसमें क्या होता है, जब एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, फिर 10 मिनट 15 मिनट बाद, तो क्या होता है कि जो यूट्रस का ऊपर वाला पार्ट होता है, लाइक जो ये यूट्रस का ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट. और जो मदर का ये यूट्रस का जो लोअर सेगमेंट, वो मदर का लोअर जो यूट्रस का लोअर सेगमेंट होता है वो क्या होता है, डायलेट होता है, ताकि अगर मदर का यूट्रस जो होगा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, सॉरी, और यहाँ पे क्या होता है डायलेशन होता है. तो इससे क्या होता है कि ये बेबी को बुलाता है, मींस कि अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये नीचे जाता है बेबी, और यहाँ पे यहाँ से बेबी सिंक हुआ नीचे, क्या ये जो है अगर डायलेट रहेगा तभी तो बेबी बाहर निकलेगा, तभी तो बेबी की डिलीवरी होगी, राइट. और इट एसोसिएटेड विद शो जो होता है, एक तरह का म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है जिसमें थोड़ा ब्लडी डिस्चार्ज होता है, उसको बोलते हैं शो. जो सर्विक्स होता है वो इफेस्ट हो जाता है, मतलब कि बहुत ही थिन हो जाता है, और फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ फोर वाटर. फोर वाटर क्या होता है, लाइक अगर ये यूट्रस है, यूट्रस में ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है और ये फीटस है, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है एक बैग ऑफ फोर वाटर, मीन्स कि एक बैग में पूरा ये सब कुछ है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बैग ऑफ फोर वाटर यहाँ फॉर्म हो जाता है, कि बेबी जब यहाँ से डिटैच होता है उसका
एमनियोटिक फ्लूइड का मेम्ब्रेन, तो यहाँ से जब ये डिटैच होता है तो ये हल्का सा नीचे जाता है, जब हल्का सा ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे फोर वाटर बनता है, यहाँ पे हिंड वाटर बनता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का वो जो पूरा बैग है विद द फीटस, उसको हम बोलते हैं बैग ऑफ फोर वाटर, राइट। नो एयर रिलीफ बाई सेडेटिव या एनिमा, हम लोग जो अगर फॉल्स लिवर पेन होता है तो अगर हम लोग मदर को सेडेटिव्स देते हैं, मेनली एनिमा देते हैं, तो मदर को रिलीफ मिल जाता है, लेकिन द ट्रू लिवर पेन में ऐसा कुछ नहीं होता, मदर को रिलीफ नहीं मिलती है। और जो उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है वो टाइम के हिसाब से विद द टाइम एंड ड्यूरेशन वो बढ़ता रहता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती रहती है, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती रहती है, उसका ड्यूरेशन एवरीथिंग विल बी इंक्रीज्ड। सो एंड फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, ये डल नेचर का होता है, ये इरेगुलर होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो इरेगुलर होता है, जैसे कभी 10 मिनट पे आता है, कभी 15 मिनट पे, कभी आधे घंटे में, कभी 20 मिनट में, इस तरह से आएगा। जबकि ट्रू लेबर पेन होता है एक इंटरवल पे आता है, लाइक एक प्रॉपर इंटरवल पे आएगा, राइट। और ये जो फॉल्स लेबर पेन होता है ये लोअर एब्डोमेन और ग्रोइन एरिया में कन्फाइंड होता है, जैसे कि अगर ट्रू लेबर पेन है तो वो लोअर एरिया में थाई से होकर के लेग तक जाएगा, लेकिन तो जो ये फॉल्स लेबर पेन होता है ये बस लोअर एब्डोमेन में और ग्रोइन एरिया में ही होता है मदर के। ये जो होता है ये हमारे मदर के थाई से होकर के इसके लेग तक नहीं जाता है, ये बस मदर के लोअर एब्डोमेन में और ग्रोइन एरिया तक ही रहता है। और ये फ्रीक्वेंसी इसकी नहीं बढ़ती है, इसका ड्यूरेशन जो होता है वो नहीं बढ़ता है, और इसकी वजह से अगर फॉल्स लेबर पेन हो रहा है तो सर्विक्स हमारा डायलेट नहीं होता है। अगर ट्रू लेबर पेन हो रहा है तभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा मदर की यूट्रस में, तो यहाँ पे डायलेशन होगा। लेकिन तो अगर फॉल्स लेबर पेन है तो अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे डायलेशन नहीं होगा, राइट। So I hope you all understood, these are the basic difference. Contraction जो होता है वो irregular होता है, frequency इसकी घटती है बढ़ती नहीं है, इसमें long interval पे होता है, और इसका ये contraction जो होता है वो time के साथ decrease होता है। और true labor pain क्या होता है, regular contraction होते हैं, frequency इसकी बढ़ती है, shorter interval भी contraction के बीच में short intervals होते हैं, और एक्टिविटी इंक्रीज होती है कॉन्ट्रैक्शन की। सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस टेबल ईजली। शो क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, ये देखो, ये जो सर्वाइकल म्यूकस जो होता है वो ब्लड के साथ जब बाहर निकलता है उसको हम लोग सो बोलते हैं। बैग ऑफ वाटर क्या होता है, जब यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वहाँ से डिटैच हो जाता है, अगर अपर यूट्राइन सेगमेंट से जब ये डिटैच होता है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का मेम्ब्रेन, तो उसकी वजह से यहाँ सर्वाइकल डायलेशन होगा, और ये जब ऊपर से डिटैच होगा तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बेबी के सर से बाहर देखने लगेगा, थोड़ा सा इधर आ जाता है, राइट। जैसे यहाँ देखो, ये जो है ऊपर से यहाँ से डिटैच हुआ एमनियोटिक फ्लूइड का मेम्ब्रेन, उसके बाद से ये थोड़ा सा वाटर यहाँ सामने से दिख रहा है, इसको हम लोग फोर वाटर बोलेंगे, जो बेबी के पीछे ये पूरा वाटर छिपा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं हिंड वाटर, राइट। सो इट वॉज ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स विच यूज इन द नॉर्मल लेबर। In next video, we will talk about the stages of labor. What is the different stages of labor, and we will talk about the management of the normal labor. So, I hope you liked my video. Thank you so much. And if you did not have subscribed my channel, please go and subscribe. Thank you.